हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी जीवी शॉ के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और ये इम्पॉर्टेंट है ईएमआरएस के अपकमिंग एग्जाम जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, हम यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन्हें कर रहे हैं। बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली है वो जो इनका जीवी शॉ का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है मेजर बारबरा, ठीक है, मेजर बारबरा, उससे रिलेटेड यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं। डिटेल में मैं इस पर्टिकुलर वर्क को यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हु डज बारबरा आस्क फॉर एट द एंड ऑफ द प्ले? ऑप्शंस हैं गॉड, अंडरसॉफ्ट, क्यूजिन, लेडी ब्रिटोमार्ट। यस, प्ले के एंड में बारबरा किसके विषय में पूछता है? यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है लेडी ब्रिटोमार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लेडी ब्रिटोमार्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज क्यूजिन्स फर्स्ट नेम? क्यूजिन जो होता है कैरेक्टर, इसका पहला फर्स्ट नेम क्या था? ऑप्शन है चार्ल्स, एडोल्फस, हॉरेक, एंड्रयू। सोचिए आंसर कीजिए। क्यूजिन्स का फर्स्ट नेम, व्हाट इज क्यूजिन्स फर्स्ट नेम? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, एडोल्फस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एडोल्फस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज रमी शॉर्ट फॉर? ऑप्शंस हैं रोमेले, रोमोला, रुमूला या फिर रोमाली। सोचिए आंसर कीजिए। ये सारे ही क्वेश्चन आपके मेजर बारबरा जो वर्क है इनका जीवी शॉ का उससे हैं। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है रुमोला। स्पेलिंग ध्यान रखनी है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज लेडी ब्रिटोमार्ट स्पीक्स टू स्टेफन अबाउट व्हाट कंसर्न? लेडी ब्रिटोमार्ट जो होती हैं वो स्टीफन से बात करती हैं अबाउट व्हाट कंसर्न, किस विषय में? ऑप्शन है हिज बिहेवियर, फैमिली फाइनेंस, सिस्टर्स मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स या फिर हर हेल्थ। किस विषय में वो स्टीफन से बात करती है लेडी ब्रिटोमार्ट? सॉरी, सोचिए आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है फैमिली फाइनेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फैमिली फाइनेंस के विषय में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज व्हाट कॉजेस अंडरसॉफ्ट्स नेम टू ऑफन अपीयर इन न्यूज़पेपर्स? ऐसे क्या रीजंस थे, ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण अंडरसॉफ्ट का नाम अक्सर न्यूज़पेपर में आया करता था, देखने को मिलता था? ऑप्शन है हिज वेपन्स, एक्यूजेशंस अगेंस्ट हिम, हिज राइटिंग, थ्रेट ऑफ वॉर। सोचिए आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? व्हाट कॉजेस अंडरसॉफ्ट्स नेम टू ऑफन अपीयर इन न्यूज़पेपर? द करेक्ट आंसर इज हिज वेपन्स। ठीक है, ये मेन रीजन था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज व्हाई डिड अंडरसॉफ्ट डिस इनहेरिट स्टेफन? सॉरी, अंडरसॉफ्ट जो होता है वो डिस इनहेरिट क्यों करता है स्टेफन को? व्हाई डिड अंडरसॉफ्ट डिस इनहेरिट स्टेफन? ऑप्शन है लेडी ब्रिटोमार्ट्स डाइवोर्स, लेडी ब्रिटोमार्ट्स इनफेडिलिटी, स्टेफन्स स्पेंडिंग हैबिट्स या फिर डिजायर फॉर फाउंडलिंग सक्सेसर।
यस, क्या हो सकता है राइट आंसर? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है डिजायर फॉर फाउंडिंग सक्सेसर। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन इज व्हाट अबाउट हिज फादर वी बिल्डर्स स्टीफन। ऑप्शंस आर हिज अपेरेंट्स, हिज ग्रीड, हिज मोरालिटी, हिज एसेंट। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर? व्हाट अबाउट हिज फादर बी बिल्डर्स स्टीफन। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? हिज मोरालिटी। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हिज मोरालिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट इज व्हाई causes Barbara to look forward to her father's visit. Options are his soul needs saving, he is generous, she loves his attention, she likes controversy. Sochi answer kijiye. यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है हिज सोल नीड्स सेविंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हिज सोल नीड्स सेविंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इज हु इज डिसमेड टू अनाउंस द अराइवल ऑफ अंडरसॉफ्ट। ऑप्शंस हैं लॉमेक्स, क्यूजिंस, लेडी बिल्टोमार्ट या फिर मॉरिसन। सोचिए, आंसर कीजिए, Who is dismayed to announce the arrival of Undershaft? Lomax है, Cousins है, Lady Britomart या फिर Morrison? Yes, यहां पर जो राइट आंसर है वो है Morrison. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, Morrison. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन इज हाउ डज Undershaft रिएक्ट टू स्टीफन। अंडरसाफ जो होता है वो स्टीफन के प्रति क्या रिएक्ट करता है? फेल्स टू रिकॉग्नाइज हिम, प्रिटेंड्स ही इज नॉट देयर, साइलेंसेस हिम, मॉक्स हिम। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा? फेल्स टू रिकॉग्नाइज हिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो अंडरसॉफ्ट होता है वो ऐसा रिएक्ट करता है कि उसने उसे पहचाना ही नहीं है, स्टीफन को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज अंडरसॉफ्ट सेज दैट एज वॉर बिकम्स मोर डिस्ट्रक्टिव, वॉर आल्सो बिकम्स मोर व्हाट। ऑप्शन है डेडली, फैसिनेटिंग, प्रॉफिटेबल, इमोरल। अंडरसाफ कहता है कि जैसा कि वार जो है बिकम मोर डिस्ट्रक्टिव, जितना वार डिस्ट्रक्टिव होता जाएगा उतना ही वार कैसा होता जाएगा? डेडली, फैसिनेटिंग, प्रॉफिटेबल, इमोरल। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज फैसिनेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फैसिनेटिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लेडी ब्रिटोमार्ट सरप्राइजेस एवरीवन बाय सजेस्टिंग दैट दे एंगेज इन व्हाट। ऑप्शंस हैं डिबेट, एक्टिंग, प्रेयर्स, गेम्स। यस, सोचिए, आंसर कीजिए।
क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है प्रेयर्स, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रेयर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कॉजेज लेडी ब्रिटोमार टू इरप्ट इन टीयर्स? क्या रीजन था बताइए? ऑप्शन है स्टीफन येल्स एट हर, फादर स्टील्स चिल्ड्रंस अफेक्शन, शी फियर्स रॉन्ग डूइंग, शी स्टिल लव्स अंडरसॉफ्ट। यस, ऐसा क्या रीजन था जिससे लेडी ब्रिटोमार्ट आंसुओं से भर गई थी? टू इरप्ट इन टीयर्स। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है फादर स्टील्स चिल्ड्रंस अफेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? फादर स्टील्स चिल्ड्रंस अफेक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डज एक्ट सेकेंड टेक प्लेस? अब इस जो पर्टिकुलर वर्क है हमारा मेजर बारबरा, उसका जो एक्ट सेकेंड है वो उसकी सेटिंग कहाँ की है, किस एग्जैक्टली प्लेस के बारे में बात की गई है? लेडी ब्रिटोमार्स होम, आर्मरी, चैपल, सेल्वेशन आर्मी। यस, वेयर डज एक्ट सेकेंड टेक प्लेस? सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सेल्वेशन आर्मी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सेल्वेशन आर्मी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन देयर डायलॉग रमी एंड प्राइस से दैट डैश द मोर ग्रेटिफाइड द सेल्वेशन, आर्मी स्टाफ इज अबाउट देयर सेल्वेशन। ऑप्शंस हैं द मोर ग्रेसियस पीपल आर, मतलब यहां जो ब्लैंक है इसमें क्या फिल किया जाएगा ये बताना है। ऑप्शन है द मोर ग्रेसियस पीपल आर, द वर्स पीपल अपीयर, द मोर पीपल बैग, या फिर द मोर पीपल रिपेंट। अपने डायलॉग्स में रमी और प्राइस कहते हैं दैट ब्लैंक है, उसके बाद द मोर ग्रेटिफाइड द सेल्वेशन आर्मी स्टाफ इज अबाउट देयर सेल्वेशन। यस, यहां पर उनका डायलॉग जो होता है उसमें ये कहते हैं द वर्स पीपल अपीयर, द वर्स पीपल अपीयर, द मोर ग्रेटिफाइड द सेल्वेशन आर्मी स्टाफ इज अबाउट देयर सेल्वेशन, ठीक है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा द वर्स पीपल अपीयर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हाउ डज पीटर शैरले फील अबाउट रिसीविंग अ फ्री लंच फ्रॉम दी सेल्वेशन आर्मी? जो पीटर शैरले है इस पर्टिकुलर वर्क में कैरेक्टर, वो कैसा फील करता है जब उसे सेल्वेशन आर्मी की तरफ से एक फ्री लंच दिया जाता है? ऑप्शन है अशेम्ड, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, सरप्राइज। सोचिए, आंसर कीजिए। जब वो एक फ्री लंच रिसीव करता है सेल्वेशन आर्मी की तरफ से पीटर शैरले, तो वो कैसा फील करता है? अशेम्ड, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, सरप्राइज्ड। द करेक्ट आंसर इज अशेम्ड, उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अशेम्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट 17 इज हु डज विल वॉकर ब्लेम एंड देन अटैक? बिल वॉकर जो होता है वो किसे ब्लेम करता है और बाद में उस पर अटैक करता है? ऑप्शन है बारबरा, अंडरसॉफ्ट, जेनी, रम। सोचिए, आंसर कीजिए। हु डज बिल वॉकर ब्लेम एंड देन अटैक? बारबरा, अंडरसॉफ्ट, जेनी, रमी। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है जेनी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जेनी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 18 इज हु कॉजेस बिल टू नियरली इरप्ट इन थियर्स. ऑप्शंस हैं जेनी, प्राइस, अंडरसाफ्ट, बारबरा. बिल के दुख का कारण कौन बनता है बताइए. हु कॉजेस बिल टू नियरली इरप्ट इन टीयर्स, जेनी, प्राइस, अंडरसाफ्ट या फिर बारबरा. एक एडवाइस मैं आपको करना चाहूंगी यहां पर कि आप जब भी इसके क्वेश्चंस लगाएं उससे पहले आप एक बार इसकी समरी पढ़ लीजिएगा इस वर्क की, मेजर बारबरा, फिर आपको ये सारे क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे. हु कॉजेस बिल टू नियरली इरप्ट इन टीयर्स, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बारबरा. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बारबरा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. आफ्टर बारबरा आइडेंटिफाइज अंडरसाफ्ट एज अ सेक्युलरिस्ट, ही करेक्ट्स हर बाय सेइंग दैट ही फॉलोज व्हाट काइंड ऑफ फेथ. ऑप्शंस है मिलेनियल, क्रिश्चियन, मिलिट्री, लव. जब बारबरा पहचान जाती है अंडरसाफ्ट को एज अ सेकुलरिस्ट, ही करेक्ट हर, वो उसे सही करता है बाय सेइंग, ये कहकर, दैट ही फॉलोज व्हाट काइंड ऑफ फेथ, कि वो कौन सी फेथ को, किस तरीके की फेथ को फॉलो करता है, कौन, अंडरसाफ्ट. ऑप्शन है मिलेनियल, क्रिश्चियन, मिलिट्री, लव. सोचिए आंसर कीजिए. यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है. यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. मिलेनियर. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ही फॉलोज मिलेनियर काइंड ऑफ फेथ. ऑप्शन नंबर ए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 20. बिफोर बिल डिपार्ट्स व्हाट डज ही से ही प्लान्स टू डू. बिल के जुदा होने से पहले, ये जाने से पहले, व्हाट डज ही से, वो क्या कहता है, ही प्लान्स टू डू, के उसको ये करने का प्लान है उसका. रिपेंट हिज सिंस, बीट हिज फॉर्मर गर्लफ्रेंड, ज्वाइन द मिलिट्री या फिर प्ले द ड्रम. अपने कौन से प्लान के बारे में वो बताता है. यस, सोचिए आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. क्या हो सकता है राइट आंसर यहाँ. यहाँ पर वो जो अपना प्लान बताता है वो होता है बीट हिज फॉर्मर गर्लफ्रेंड. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट 21 इज अंडरसाफ्ट टेल्स क्यूजिन्स दैट व्हाट इज आर नेसेसरी फॉर सेल्वेशन. तो अंडरसाफ्ट टू क्यूजिन को क्या बताता है कि क्या चीज है जो जरूरी है सेल्वेशन के लिए. ऑप्शन है मनी, गन पाउडर, ए एंड बी बोथ या फिर नन ऑफ द अबव. सोचिए आंसर कीजिए, किस चीज को वो जरूरी बताता है, नेसेसरी बताता है कि सेल्वेशन के लिए ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है. मनी, गन पाउडर, ए एंड बी बोथ या फिर नन ऑफ द अबव. सोचिए आंसर कीजिए. यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है, वो सॉरी, अंडरसाफ्ट मनी के विषय में भी कहता है प्लस गन पाउडर के विषय में भी कहता है, इसलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए एंड बी. ठीक है, मनी भी और गन पाउडर भी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट 22. इन हिज डिस्कशन विद अंडरसाफ्ट क्यूजिन्स एक्सप्रेस एंथुजियाज्म फॉर हुम और व्हाट. जो क्यूजिन का डिस्कशन होता है अंडरसाफ्ट के साथ में, उसमें वो एक्सप्रेस करता है एंथुजियाज्म फॉर हुम और व्हाट, किस चीज के लिए अपना एंथुजियाज्म वो एक्सप्रेस करता है. लेडी ब्रिटोमार्ट, डायनोसियस, आयरलैंड या फिर इंग्लैंड. यस, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर.
सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो राइट आंसर है वो है डायनोसियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डायनोसियस के प्रति वो अपना एंथुजियाज्म एक्सप्रेस करता है, किसके सामने? अंडरसाप के साथ में। मूविंग टू द नेक्स्ट 23rd इज अंडरसाप टेल्स क्यूजिन दैट द टू ऑफ देम मस्ट विन हु और व्हाट। अंडरसाप क्यूजिन को बताता है दैट कि द टू ऑफ देम मस्ट विन हु और व्हाट, कि उन दोनों में से किसी एक को या उन दोनों को ही जीतना है। क्या चीज या कौन सी चीज? मनी, वॉर, लेडी ब्रिटोमार्ट या फिर बारबरा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? मनी, वॉर, लेडी ब्रिटोमार्ट या फिर बारबरा? किसको विन करना है हमें? द करेक्ट आंसर इज बारबरा। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बारबरा। मूविंग टू द नेक्स्ट, यस 24th इज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अ फंड रेजर बारबरा एक्सप्रेसेस कंसर्न अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए फाइनेंसिस, सिनर्स, डिसऑनेस्टी, सेल्फिशनेस। एक फंड रेजर के पास से लौटने के बाद बारबरा एक्सप्रेस करती है अपना कंसर्न किस चीज के विषय में? फाइनेंसेस के, सिनर्स के, डिसऑनेस्टी के या फिर सेल्फिशनेस के? क्या हो सकता है यहां पर करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज फाइनेंसेस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फाइनेंसेस। Moving to the next, 25th is when Bill returns, what does he offer to Jenny? जब बिल वापस आता है तो वो जेनी को क्या ऑफर करता है? Forgiveness, apology, money, confession। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? Forgiveness है, apology है, money है, confession है? Yes, what should be the correct answer? जेनी को वो क्या ऑफर करता है? मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वो मनी ऑफर करता है बिल। मूविंग टू द नेक्स्ट 26th इज व्हाट डज अंडरसाफ्ट ऑफर टू मिसेस बेन्स। अब अंडरसाफ्ट मिसेस वेन को क्या ऑफर करता है? कन्फेशन, डोनेशन, ड्रम्स एंड फिप्स या फिर यूनिफॉर्म्स? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट डज अंडरसाफ्ट ऑफर टू मिसेस वेन्स? कन्फेशन, डोनेशन, ड्रम्स एंड फिप्स या फिर यूनिफॉर्म? क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डोनेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डोनेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट 27, व्हाट कॉजेस बारबरा टू रेज एन ऑब्जेक्शन टू एक्सेप्टिंग अ डोनेशन फ्रॉम बोजर। ऐसा क्या रीजन था कि बारबरा ने ऑब्जेक्शन उठाया टू एक्सेप्टिंग अ डोनेशन फ्रॉम बोजर, बोजर से एक डोनेशन लेने एक्सेप्ट करने पर? हेल्दी फाइनेंसेस, अंडरसाफ्ट ऑब्जेक्शन, कमिटमेंट ऑफ टू पॉवर्टी या फिर हिज डिस्टिलरीज? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट कॉजेस बारबरा टू रेज एन ऑब्जेक्शन टू एक्सेप्टिंग एन डोनेशन फ्रॉम बोजर? What should be the correct answer?
यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हिज डिस्टिलरीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसलिए उसने मतलब वो डोनेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है बॉजर के और उसके प्रति ऑब्जेक्शन उठाती है, ठीक है, हिज डिस्टिलरीज। मूविंग टू द नेक्स्ट 28 इज हु डज नॉट ज्वाइन दी ट्रायम्फेंट प्रोसेशन, कौन ज्वाइन नहीं करता है ट्रायम्फेंट प्रोसेशन को। ऑप्शंस हैं क्यूजिंस, बारबरा, अंडरसाफ्ट, जेनी। हु डज नॉट ज्वाइन द ट्रायम्फेंट प्रोसेशन। सोचिए आंसर कीजिए, ऑप्शंस में से ही सोचकर आपको आंसर बताना है क्या हो सकता है। क्यूजिंस है, बारबरा है, अंडरसाफ्ट है, जेनी है। यस, ज्वाइन ना करने वाला कौन होता है? बारबरा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बारबरा। मूविंग टू द नेक्स्ट, वेट अ मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 29। व्हेन द सीन ओपन्स इन लेडी ब्रिटोमार्स लाइब्रेरी, व्हाट इज बारबराज मूड। जब हम देखते हैं ये एक्ट थर्ड का सीन होता है, जब ये सीन ओपन होता है लेडी ब्रिटोमार्ट की लाइब्रेरी में, तो व्हाट इज बारबराज मूड, उस समय बारबरा का मूड कैसा था। ऑप्शन है जॉयस, ब्रूडिंग, एक्साइटेड, एक्सपेक्टेंट। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए आंसर कीजिए, व्हाट इज बारबराज मूड, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस, इस यहां पर जो राइट आंसर है वो है ब्रूडिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रूडिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हेन क्यूजिंस अराइव्स लेट ही रिवील्स दैट ही वाज अप लेट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जब हम देखते हैं कि क्यूजिन लेट आता है उस पर्टिकुलर सीन में, तो वो क्या रिवील करता है कि वो लेट क्यों हुआ था। कंपोजिंग अ मैरिज प्रपोजल, राइटिंग एन अपोलॉजी, ड्रिंकिंग विद अंडरसाफ्ट, या फिर कलेक्टिंग दी डोनेशन। किस रीजन की वजह से वो लेट होता है। व्हेन कजिन क्यूजिंस अराइव्स लेट ही रिवील्स दैट ही वाज अप लेट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ड्रिंकिंग विद अंडरसाफ्ट, ठीक है, ड्रिंकिंग विद अंडरसाफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी तरीके की प्रैक्टिस सेशंस मैं लगातार लाती रहूंगी। आपके पेपर की तैयारी आई हो बहुत अच्छे से हो रही होगी, और आप सारे राइटर्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट टाइप के ये लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप साथ ही कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।